हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? होप सब अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आई एम मलिका सेठी, यू साइंस एजुकेटर फॉर 9th क्लास एंड 10th क्लास ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और क्लास ए पार्ट यूट्यूब चैनल ऑन अनअकैडमी। तो अभी तक जिसके फोन में अनअकैडमी लर्नर ऐप नहीं है, तो पहले बच्चों आप अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लिए। प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। उससे आपको फायदा क्या होगा, आपको अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, आप 11th क्लास 12th क्लास जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, वैसे 10th क्लास का चल रहा है तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, बट किसी के ब्रदर है सिस्टर है, इसमें ऐसा नहीं है कि ओनली 10th क्लास के लिए ही ये सब्सक्रिप्शन है या 10% ऑफ है। एवरी कोई भी आप कोर्स करना चाहते हो, कोई भी कंपटीशन करना चाहते हो, अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करते हैं MASE तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को जिनके कॉम्पिटिशन को क्रैक किया है। तो आपका भी टाइम है, आप भी अनअकैडमी लर्नर ऐप जल्दी से डाउनलोड कर ले। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। फर्स्ट चैप्टर मैंने सारा थ्योरेटिकल पोर्शन करवा दिया है, बट आज हम करने वाले हैं रिवीजन। रिवीजन जो होती है ना वो करनी बहुत जरूरी है। पहले आपको थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर होना चाहिए, बट उसके बाद रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम आज करेंगे कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर थ्योरी, प्लस में उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, इसमें मेरा एक टॉपिक रह गया था जब मैंने थ्योरेटिकल कराया था, क्योंकि मैं इसको आज रिवीजन में करवाना चाहती थी। ये करने से पहले मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी। देखो पूरे चैप्टर में हमने क्या किया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हमने बहुत बार कर लिया कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एटम्स विल रीअरेंजमेंट्स एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज। ये चीज ये आपके पास देखो, अब फर्स्ट ये लाइन जो है वो आप लर्न कर सकते हैं कि इसमें एटम्स क्या होते हैं। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आप बुक में देखेंगे तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि इन केमिकल रिएक्शंस जो एटम्स हैं वो उसमें क्या चेंजेस होता है। तो एटम्स क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स बनते नहीं है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होकर न्यू बॉन्ड बनता है, बट एटम्स का जो है ओनली ऑलवेज क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ये मैंने रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट मीन्स क्या होगा कि लाइक हमारे पास एटम्स जो है वो इस टाइप से हैं, ये ए है, ये बी है, ए ने बी के साथ बॉन्ड बना रखा है, सी ने डी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, बट रीअरेंज क्या होगा, ए डी के साथ बना लेगा, बी किसके साथ बना लेगा, सी से बना लेगा। इस टाइप से कुछ भी अगर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है देन हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। डेली लाइफ में यूजेस होने वाली, डेली लाइफ में हमारा खाना पकता है, रेस्पिरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, बर्निंग ऑफ कैंडल हो रहा है, या फिर हम गाड़ियां चला रहे हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो रहा है। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस है, मैंने आपको सारी बहुत अच्छे से करा रखी है। तो मैं आज आपको ओरली कराना चाहती हूँ ये चैप्टर कि आपको खुद से माइंड में वो चीज याद आ जाए कि हाँ हमने वो चैप्टर फर्स्ट वीडियो जो है मेरी उसमें आपको बता रखे है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने यही सारा कंप्लीट किया है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, जो हमारे डेली लाइफ में मोस्टली जो है रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में होती है, दूध का फटना हो गया, दूध से दही बनना हो गया, और खाना पकना ये सब, और फ्रूट्स का पकना, अनराइप फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, या सब्जियां खराब हो जाती हैं, दीज आर ऑल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारी क्या है, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें कि क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। देन हमने किया था कि अगर ये तो हमारा डेली लाइफ में हो गया, अब हम करते हैं कि अगर हम लैब्स में कुछ कर रहे हैं तो लैब में हम कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो याद हो अगर आपको तो मैंने आपको करवाया था कि मैग्नीशियम रिबन लेंगे, मैग्नीशियम का रिबन लिया हमने, उसको क्या किया, बर्न किया। जब हम मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं तो जब भी हम किसी को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। बट ये तो आपके पास आ सकता है एक एमसीक्यू क्वेश्चन की मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, देन आप आराम से लिख दोगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड।
फॉर्मूला आएगा तो एमजीओ लिख दोगे, अगर थ्योरेटिकल आया वर्ल्ड इक्वेशन आई तो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे क्लीन किया जाता है। किस लिए क्लीन किया जाता है, व्हाई? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो गैसेस हैं लाइक O2 हो गया, CO2 हो गए, इनके साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये दो जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, बट जो हम कर रहे हैं मेनली जो हमें अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर आता है, आपके पास ये ऑप्शन आता है, ये आता है, तो आप ये वाला चूज करेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्शन होती है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट होती है। अगर आपके पास सपोज ये रिएक्शन, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है, तो आप ये चूज करेंगे, बट मेनली जो हम ये करेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये क्या करता है, लाइक मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसको बाहर इन्वायरमेंट में रख दूंगी तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सारा डस्ट की लेयर हो जाएगी, बट मैं उसको पेपर से, अगर टिश्यू पेपर से क्लीन करूंगी तो वो सारी की सारी जो डस्ट है वो क्लीन हो जाएगी। लाइक दिस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे क्लीन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उस लेयर को रिमूव किया जाए और जो हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमारे को प्योर फॉर्म में मिले। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाता है एंड मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल आएगा आपके पास तो थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप बता सकते हो, ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन में भी आने के चांसेस है कि मैग्नीशियम के ऊपर जो मैग्नीशियम रिबन पे प्रोटेक्टिव लेयर है वो कौन सी होती है, या मैग्नीशियम को क्लीन करते हैं तो हम कौन से कंपाउंड को क्लीन करते हैं। तो ये हमारे पास जो था सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हमने क्या किया था, मैग्नीशियम वाला। नेक्स्ट देखो, हम बोल रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन ये हम सब बोल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, जस्ट वेट, मैं इसको इरेज कर देती हूं। हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है वो हमें कैसे पता चलेगा। हमने बोला कि केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये सब हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन हो रही है, बट केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही, इसके लिए हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे, बहुत अच्छे से मैंने लर्न कराए थे। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, जल्दी से अपने रिमाइंड करो माइंड में कौन सा है। फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ गैस, कौन सा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब गैस रिलीज होती है। हमने किया था कि H2SO4 है, H2SO4 में हम जिंक के अगर ग्रैनुल्स डालेंगे तो हमें क्या मिलता है, ZnSO4+ में क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगी। देन हम कभी भी कोई रिएक्शन कर रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, तो मींस क्या होगा, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। सेकेंड हमने क्या किया था, सेकेंड हम ये करेंगे चेंज इन टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज चेंज इन स्टेट। स्टेट और टेम्परेचर का एग्जाम्पल मैंने लिया था, इफ यू रिमेंबर, कैंडल बर्न करते हैं, जब कैंडल को बर्न करते हैं तो टेम्परेचर भी राइज हो रहा है और क्या हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर कैंडल को बर्न करेंगे तो साइड से क्या होगा, लिक्विड होगा, वो मेल्ट हो जाएगी। फोर्थ प्रेसिपिटेशन, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तब भी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। प्रेसिपिटेशन को आप पीपीटी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम करेंगे पीपीटी। अगर हमारे पास क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेशन बन रहा है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि बीकर के अंदर हमारे को नीचे बेस में कुछ क्या मिले, ग्रैनुल्स फॉर्म में मिले, तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। एंड लास्ट वन हमारा कौन सा रह गया, चेंज इन कलर। अगर कलर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही। तो ये 5 हमारे पास क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसकी रिएक्शंस जो है आपको 1-1 वो लर्न होनी चाहिए, लाइक दिस मैंने आपको बताया कि H2SO4+ में Zn है, तो ZnSO4+ H2 है, ये आपका काम है, ये आपको लर्न करना है, मेरा काम आपको समझाना है। एक एक रिएक्शन में आपको लर्न नहीं करवा सकती, समझा सकती हूँ मैं आपको। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही वो हमें कैसे पता चलता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन आता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन।
व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल रिएक्शन जो हमारी होती है हम उसको वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन. और होता है, एक सेकेंड मैं आपको अभी बताती हूँ. लाइक देखो, हमने बोला कि वर्ड इक्वेशन इक्वेशन को आप ई क्यू एम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब मैं इसको अगर इस फॉर्म में लिखूं, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, फिर मैंने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये मुझे कितना लेंथी पड़ेगा, कितना मुझे टाइम लगेगा. तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है. बट अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं, देन दीज आर नोन एज केमिकल इक्वेशन. लाइक मैग्नीशियम को मैंने Mg के सिंबल में किया, ऑक्सीजन को मैंने O2 के सिंबल में लिखा, और यहां मैंने लिख दिया MgO. तो हमारे पास क्या हो गया, दिस इक्वेशन इज केमिकल इक्वेशन. कि हम एक वर्ड इक्वेशन को, एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, और जो हमारा राइट हैंड साइड पे होगा वो हमारे क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे. और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एरो लगा के. रिएक्टेंट्स होते क्या है, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. ऑल दीज एटम्स आर नोन एज रिएक्टेंट्स, एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्मड इज नोन एज प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज. न्यू प्रॉपर्टीज के साथ नया सब्सटेंस बना है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे. तो ये हमने क्या किया था, केमिकल इक्वेशन. अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे भी टू लगाया, यहाँ टू लगाया. क्यों? क्योंकि केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी होनी चाहिए. व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट शुड बी इक्वल. यहाँ भी टू मैग्नीशियम है, यहाँ भी टू मैग्नीशियम है, यहाँ टू ऑक्सीजन है, यहाँ भी टू ऑक्सीजन है. तो आपको अनबैलेंस्ड है, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में राइट डाउन करके उनको मल्टीप्लाई करके, हिट एंड ट्राई करके आपको इक्वल करना पड़ेगा, एंड इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा. मेरी इसे लास्ट वीडियो में मैंने प्रैक्टिस करवाई है. अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, आपने पहले नहीं देखी, तो आप मेरे पहले वो वाली वीडियो देख लो, तो आपको अनबैलेंस से बैलेंस करनी बहुत ईजीली आ जाए. आप देखो लास्ट, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस मीन्स हमें जो केमिकल रिएक्शंस करनी है. अभी तो हमारे को ये बता दिया कि ये केमिकल रिएक्शंस हैं, बट आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं अभी हमें वो करनी है. मैंने आपको एक चीज और, बहुत मतलब ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये भी मैंने बहुत इजीली वे में आपको करवाई थी कि आपको कैसे लर्न करनी है. मैंने दो चीज ली थी कि लाइक मेरा हैंड है और ये है, हमने पहले कंबाइन कर दिया, तो फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर मैंने इस हाथ को रिमूव कर दिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. देखो बट इसको डीकम्पोज करने के लिए पहले मैंने इसको ऐड किया, मींस कंबाइन किया. तो सपोज मैंने फेविक्विक लगा दी, फेविक्विक छोड़ो, या फिर मैंने कोई ग्लू लगा दी, क्योंकि फेविक्विक को रिमूव करना बहुत हार्ड हो जाएगा, तो ऐसा एग्जाम्पल मैं नहीं लूंगी. तो क्या करेंगे, हमने फेविकॉल ले लिया, फेविकॉल से मैंने इसको क्या कर दिया, चिपका दिया, मतलब कंबाइन कर दिया, तो कॉम्बिनेशन हो गया. बट उस फेविक्विक को, फेविकॉल को रिमूव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई केमिकल लगाना पड़ेगा, या फिर मुझे तो डीकम्पोज करने के लिए हमें ऑलवेज कुछ ना कुछ देना पड़ता है. या आप हीट दे सकते हैं, सनलाइट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं. तो सेकेंड इक्वेशन थी डीकम्पोजिशन. फिर मैंने क्या किया, मैं इस हाथ में मैंने अपने इस हैंड में मैंने पेन ले लिया, इस हैंड के साथ मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. मीन्स पहले मेरा पेन इस हैंड में था, अब मेरा इस हैंड में, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई. तो अगर मैंने यहाँ पे भी कुछ हैंड में है, दोनों चीजों को डिस्प्लेस किया, चेंज किया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई. फिर मैंने सब चीजों को जला दिया, तो क्या होगी, कंबशन होगी. तो इस वे में मैंने आपको रिएक्शंस लर्न करवाई थी. फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, displacement reaction, and fourth one is double displacement reaction, and fifth is combustion reaction. अब देखो combination में क्या था, two reactants होंगे, like A reactant plus में B reactant, always two reactants combine होंगे, क्या करेंगे, C product देंगे. डीकम्पोजिशन में क्या था, एक हमारे पास क्या होगा, पर रिएक्टेंट होगा, हम उसे या तो क्या करेंगे, थ्री वे में. अब आपको ये चीज लर्न करनी है कि डीकम्पोजिशन कौन कौन से मेथड से होगा,
हीट दे सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं हम, और हम क्या करते हैं सनलाइट दे सकते हैं। ये थ्री हमारे पास थे जिससे हमने क्या किया, डीकम्पोजिशन किया। सी से क्या बन रहा है, सपोज मैंने हीट दिया तो मेरे को ए और बी दो क्या बन रहे हैं, रिएक्टेंट बन रहे हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन भी आता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है अपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, या एक और आपको क्वेश्चन की रेस्पिरेशन रिएक्शन जो है वो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन रीड करना। वैसे मैंने आपको ये पूरा कवर करा दिया है, बट जो एग्जांपल्स हैं वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। लाइक अब देखो एक चीज और, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसी चीज को कंबाइन करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मींस क्या होता है कि हमें हीट दे रही है, अंदर जा रही है, और डीकम्पोज करना है किसी चीज को देने के लिए, सॉरी ये एक्सोथर्मिक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबाइन हो रहा है तो उसमें हीट रिलीज हो रही है, बट किसी चीज को हमें अगर तोड़ना है, ब्रेक करना है, डीकम्पोज करना है, तो हम उसे क्या करेंगे, वो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, उसमें हमें हीट देनी पड़ेगी। और ये जो मैं आपको ऐसे फटाफट फटाफट करा रही हूँ ना फास्ट फास्ट, उन्हीं स्टूडेंट्स को ही समझ आएगा जिसने पहले मेरा ये वीडियो पहले वाली देखी है। अगर मैं आप करा रही हूँ तो आज वाली फिर आपको आधी चीजें तो ऊपर से ही चली जाएगी। तो ये जस्ट एक रिवीजन है, इससे पहले मैंने आपको बहुत आराम से बहुत डीपली जो है वो करा रखा है, नहीं करा है तो आप प्लीज वहां से देख लो, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैम तो बहुत फास्ट करा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए फास्ट करा रही हूँ क्योंकि मैंने स्लो ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर देना किसी, कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है। तो क्या होगा, जिंक प्लस में CuSO4 की बात करें तो क्या होगा, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को बोला हट जा मुझे बैठने दे क्योंकि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं, तो क्या आ गया ZnSO4 प्लस में कॉपर आ गया। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जांपल अभी एमसीक्यू में करेंगे, इसमें दो जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, चलो करा ही देती हूँ, BaCl2 प्लस में MaSO4 है, तो क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, Ba जो है वो SO4 के साथ ज्यादा टेंडेंसी रखता है बॉन्ड बनाने की, मीन्स Na से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, BaSO4 प्लस में मिल जाएगा 2NaCl। तो इन्होंने क्या किया, अपना डिस्प्लेस कर दिया रिएक्शन, अपने दोनों ने अपनी प्लेस को चेंज कर दिया, देन रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट वन इज कंबशन रिएक्शन, कंबशन मींस जला देना, बर्न कर देना। तो मिथेन इज गुड एग्जांपल फॉर कंबशन रिएक्शन, मिथेन इज CH4। जब हम किसी चीज को कंबशन करते हैं तो ऑलवेज हमें क्या मिलता है, CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा, प्लस में हमें क्या मिलेगी, हीट एंड लाइट। तो ये हमारी सारी रिएक्शंस थी, कंबशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब। एंड लास्ट हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह गई है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि ये थोड़ी सी हार्ड है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसने 10th क्लास की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से कर लिया ना, तो 11th क्लास में आपका चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो आपको बहुत ईजी लगेगा। अगर आपने ये नहीं किया ना तो वो भी आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो आपको पहले 10th क्लास करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा आप अभी अच्छे से समझ लो कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, क्या होता है ऑक्सीडेशन बताओ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू टर्म्स हैं। ऑक्सीडेशन नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो ऑक्सीजन अगर ऐड करते हैं किसी भी आइटम के अंदर, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही, दोनों में से एक काम होगी, या तो ऑक्सीजन ऐड होगी या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। और रिडक्शन क्या है, हाइड्रोजन या तो क्या होगा ऐड होगा, ऑक्सीजन क्या होगा रिमूव होगा, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, H2 प्लस में O2 की बात करें तो हमारे पास क्या बनता है, 2H2O बनता है। अब इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम इसको बोलेंगे कि क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऐड और रिडक्शन में हाइड्रोजन रिमूव।
इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आपको मैं आगे जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझाती हूँ। मैंने वैसे ये बहुत अच्छे से बता दिया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो उस पर मैं दोबारा से टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगी, वो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो मैं एमसीक्यू में भी कराने वाली हूँ। अब देखो ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑक्सीडेशन हमने कर लिया कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, टू हमारी लाइफ के अंदर इफेक्ट होते हैं, बहुत हार्मफुल इफेक्ट है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नहीं हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर, हमारी बॉडी पे तो इफेक्ट जो पड़ता है बट हम जो करने वाले हैं हमारी लाइफ में कोरोजन एंड डेंसिटी। और एक चीज और बता दूं कि मैंने बॉडी की बात की है तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी पे ऑक्सीडेशन का ये इफेक्ट पड़ता है कि आपने न्यू बॉर्न बेबी की स्किन देखी होगी कितनी अच्छी होती है, कितनी स्किन सॉफ्ट होती है, नो रिंकल्स, नो निशान, कुछ नहीं, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिंकल्स और रफ स्किन होती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फैट्स वगैरह लेते हैं, ऑयल्स लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम ऑक्सीजन ले रही है हमारी बॉडी में जा रही है वो क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन करती है, फ्री रेडिकल्स बना देती है। ये आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर है, सिलेबस क्या आपके माइंड से बाहर है, मैं जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीडेशन होती है तो रिंकल्स हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, ये इफेक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, डाइट फूड खाना चाहिए, इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ऑयली नहीं खाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं खाना चाहिए, अगर आप हेल्दी फूड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये सब खाएंगे तो ऑक्सीडेशन को क्या करता है, वो स्टॉप करता है और हमारी स्किन क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। ये जस्ट एक आपको जनरल मैंने आपको बताया, 10th क्लास से रिलेटेड नहीं है, कहीं आप याद करने लग जाओ मैम ने क्या करवा दिया हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया। वैसे लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होगा, जो गर्ल्स जिन्हें पता चलेगा कि जंक फूड खाने से हमारी स्किन खराब होती है तो मुझे लगता है कि 50% तो कम कर ही दोगे आप लोग। तो क्या है, हम अपना करते हैं एवरीडे लाइफ पे कि हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, सॉरी कोरोजन एंड डेंसिटी। तो व्हाट इज कोरोजन, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाटर एसिड गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। मेनली तो क्या है, ऑक्सीजन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो कोरोजन नहीं होगा। मेटल का पीस है, मेटल का ईट अप हो जाना, अनडिजायरेबल लेयर आ जानी, बहुत सिंपल एग्जांपल है लोहे का आप ले लो, आयरन का, कभी भी आपने ये तो डेली लाइफ में देखा होगा, कोई भी हम आयरन की चीज लेके आते हैं उसे अगर हम बाहर रखते हैं विदाउट आप पेंटिंग किए कुछ किए उसे अगर बाहर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, वो खराब हो जाएगा ऊपर से, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि क्या हो चुका है, ये कोरेड हो चुकी है, मेटल जो है वो कोरोजन हो चुका है। बट एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगी कि कोरोजन मीनिंग जो स्टूडेंट्स है ना वो सिर्फ ये मानते हैं कि लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ओनली रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट कोरोजन। कोरोजन इज हम बोलेंगे कि कोरोजन जो है वो एवरी मेटल पे डिपेंड करता है, एवरी मेटल के लिए जो है ये डेफिनेशन है कोरोजन की, लाइक आप सिल्वर की कोई चीज लेके आए हो, उसकी चांदी की आप रिंग ले आओ, सिल्वर के कड़े ले आओ, कुछ भी चीज अगर आपने सिल्वर की ले रखी है, कॉइन देख लो, अगर आप उसे रख देते हो थोड़ा जब आप लेके आओगे तो बहुत शाइनी होती है, बट आप समटाइम्स के बाद देखोगे तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाएगी, तो मीन्स उसमें भी क्या हो चुकी है, कोरोजन हो चुका है। अगर आप कॉपर का लेके आओ, आजकल कॉपर का बहुत यूज हो रहा है, कॉपर का जग वग, हम पानी पीने के लिए कॉपर की बॉटल्स आ रही है, देखो कॉपर की बॉटल अगर आप लेके आते हो कितनी अच्छी लगती है, कितनी शाइनी होती है, बट वो क्या हो जाती है थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाती है, वो ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाती है, मीन्स उसने भी क्या कर ली है, उसकी भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो गया, उसने भी एनवायरमेंट की गैसेस के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। तो कोरोजन क्या होता है, मेटल का ईट अप हो जाना, मेटल के ऊपर अनडिजायरेबल लेयर आ जाना, जो कि किसके किसकी वजह से आती है, एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट है गैसेस लाइक ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, एसिड्स हो गए, इन सब की वजह से होता है। तो हमें जो करना है वो करना है रस्टिंग। सबसे पहले हमें कोरोजन का बता रखा है कि द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, जो रस्टिंग है, अब ये भी आपके पास आ सकता है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की रस्टिंग ऑफ आयरन कैसी रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन वीकनेस द आयरन एंड स्टील ऑब्जॉर्प्शन स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड शिप्स एटसेट्रा एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ। क्या करता है कोरोजन की वजह से,
जो भी मेटल की लाइफ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कार की बॉडीज हैं, ब्रिजेस हैं, ये सब किसकी बनी होती है, आयरन की। तो अगर हमें इसके रस्टिंग को, इसके कोरोजन को प्रिवेंट करना है, रस्टिंग में सिर्फ आयरन के लिए यूज कर रही हूँ, अगर हमें कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें क्या कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक सिल्वर के लिए अलग है और कॉपर के लिए अलग है, बट हम बात करेंगे ओनली फॉर रस्टिंग, क्योंकि 10th क्लास के बेसिस पे इतना ज्यादा हाई नहीं है लेवल है, बस हमें शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन ही करनी थी। तो रस्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं कि आयरन के ऊपर अगर हम पेंट कर दें तो पेंट की लेयर जो है वो क्या इफेक्ट करती है। लाइक हमारे पास ये आयरन का एक टुकड़ा है, हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अगर पेंट हो जाएगा तो ये इन्वायरमेंट की गैसेस का और आयरन का जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शंस नहीं कर सकेगा। देन बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग तब भी उसका कट हो जाएगा कनेक्शन। एंड गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन मींस होता है कि एक मेटल के ऊपर अनदर मेटल की कोई ना कोई लेयर हम लगा दें। तो ये मेथड्स करके क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत ईजी है बच्चों वाला, ये सब आपको पता होगा। नेक्स्ट रस्टिंग, अभी बता दिया कि व्हाट इज रस्टिंग, बट इसमें आपको एक चीज यह याद रखनी है, बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट क्या होता है, 2Fe2O3XH2। व्हाट इज X? X इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर। कि यहाँ पे हमने क्या किया, लाइक हम आयरन की बात करें, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, वाटर के साथ रिएक्शन की, क्या बना दिया, रस्ट बना दिया। और एक चीज और, रस्टिंग के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, क्या क्या, ऑक्सीजन और वाटर एक साथ होना। अगर ऑक्सीजन नहीं है और वाटर है तब भी रस्टिंग नहीं होगी, ऑक्सीजन है वाटर नहीं है तब भी रस्टिंग नहीं होगी। रस्टिंग के लिए कंडीशन मस्ट है, क्या होना चाहिए, O2 और वाटर दोनों चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं, समय कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमें रस्टिंग करानी करानी है, बट रस्टिंग तभी होगी जब ऑक्सीजन होगा और क्या होगा, वाटर होगा, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होगी। रस्ट का फॉर्मूला ये है, एक्स इज द नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ वाटर। यहाँ पे आप एक्स ही लिखो, कोई भी वाटर के नंबर नहीं लिखोगे, कि क्योंकि वाटर कितने भी हो सकते हैं, वाटर ज्यादा भी हो सकता है, वाटर कम भी हो सकता है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसका नेम, प्लस में फॉर्मूला रस्ट का आपको जरूर याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने करना है कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। ये भी आपका 10th क्लास के बेसिस पे जो ये रिएक्शन है, ये आपका फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द सर्फेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट ट्रांजिस्ट डल हो जाती है ऑन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हमने आयरन को बोला कि आयरन पे क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, तो हम ये बोलेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि सिल्वर जो है, सिल्वर के ऊपर जो कोरोजन होता है वो कौन से कलर का होगा, कौन से कलर होता है। आपको पता है कि चांदी ब्लैक हो जाती है, हमें सबको पता है कि सिल्वर ब्लैक हो जाती है, बट उस ब्लैक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, Ag2S। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये रहा सिल्वर सल्फाइड, जो कि कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। रिएक्शन किसके साथ करता है, H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, तो आपको करा दिया, आपको लर्न करना है Ag2S, बस और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, थोड़ा सा न्यू वर्ड होगा ये आपके लिए। रेंसिडिटी, the taste and odor of food material containing fats and oil changes when they are left exposed to air for a long time, this is called rancidity. It is caused due to the oxidation of fats and oils present in food material. Example ये भी किसका है, oxidation का ही है। वो क्या था, metals का था। ये किस rancidity किसके लिए, जो हमारे खाने की चीजों में जिसमें oils होगा, fat होगा, उसका taste change हो जाता है। ये देखो ऑयल्स हो गए या फिर फैट हो गए, प्लस में अगर उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दी तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी, देन दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर आप बटर लेके आ रहे हो, बटर भी छोड़ो यार, आप बच्चे हो तो आप चिप्स का पैकेट ले लो, आपने लेस पैकेट लेके आए खाने के लिए, आपने स्टडी करने से पहले, मेरी क्लास देखने से पहले आपने लेस के पैकेट को ओपन करके रख दिया, उसको आपने 2-3 घंटे अपनी क्लास फिनिश करने के बाद खाने के लिए उठाया, तो आप देखना कि उसका जो टेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। वो जो पहले क्रंचीनेस था ना, वो तो बिल्कुल ही घीमे घीमे हो जाएंगे। तो
तो क्रंची तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे, बट उसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आप उसको कल तक रखोगे तो उसका टेस्ट और भी ज्यादा चेंज हो जाएगा, और भी बेकार हो जाएगा। किस लिए हो जाएगा? क्योंकि जो उसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है, उस ऑयल ने इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया और उस पूरी की पूरी प्रोसेस को, जो कि वो चीज खराब हो चुकी है हमारी खाने वाली, हम क्या बोलेंगे कि क्या हो चुकी है, रेंसिड हो चुके, खराब हो चुके हैं। तो ऑयल्स एंड फैट्स क्या करती हैं, जब ऑक्सीडेशन होती है तो स्मेल, ऑर्डर, टेस्ट चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। घर में अगर हम बटर भी अगर बनाते हैं, उसे 4 या 5 दिन फ्रिज में रखने के बाद आप उसकी स्मेल लोगे तो बिल्कुल अजीब स्मेल आएगी, बेकार स्मेल आएगी, तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या हो चुका है, रेंसिड हो चुका है। अब देखो, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट करके एक ऐड आती है, मम्मा ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? मैं बताती हूँ आपको, जो ऑक्सीडेशन को होने से रोकता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। लाइक मैंने भी बोला कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन अच्छी होगी। उससे होगा क्या? क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लाइक भी दलिया हो गया, ये इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करेंगे, लाइक हमारे पास सपोज हम ये मानते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये ए ऑक्सीडेशन है, ये बी ऑक्सीडेशन है, ये फ्री रेडिकल्स है, मीन्स जिनकी क्या हो चुकी है, ऑक्सीडेशन हो चुकी है। अब हमने क्या किया, एंटीऑक्सीडेंट ईट कर लिए, या कोई भी हमने किसी भी चीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर लिए। अब एंटीऑक्सीडेंट की टेंडेंसी है कि डिशुम डिशुम करके इसको भी मार देगा, डिशुम डिशुम किया इसको भी मार दिया, डिशुम डिशुम किया इसको भी मार दिया, तो ये जो ऑक्सीडेशन हो रही थी ए बी सी, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो लाइक अगर हमने चिप्स की बात की या हमने बटर की बात की, तो इन सब के अंदर, ये तो हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले, इनमें हम एंटीऑक्सीडेंट यूज नहीं करते हैं। बट अगर हम कुछ बात करती हैं हाई स्केल पे, कॉमर्शियली अगर हम बात करती हैं, लाइक हमने लेयर की बात की कि उसके अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आपने देखा होगा कि वो पैकेट क्या होता है, उसमें वो केमिकल डालना अवॉइड करती हैं। इसलिए वो क्या करती है, पैकेट आपका बिल्कुल बंद होता है, मींस वो क्या होता है, स्टोरेज फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट होगा, उसमें हवा पास नहीं हो रही है। सेकेंड, उसके अंदर एक गैस फीलिंग होती है, जो कि कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन क्या करती है, उसके ऑक्सीडेशन को प्रोटेक्ट करके रखती है, कि जो स्टोरेज है उसको खराब होने से बचाती है। कि अगर हमने लेज का या कोई भी हम चिप्स का पैकेट लेके आए हैं, वो एयर टाइट कंटेनर है, तो इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ उसका टच नहीं हो रहा है, एंड टू गैस है, तो वो उसको प्रिवेंट करके रखती है, वो खराब नहीं होगा उसका टेस्ट। या हम रेफ्रिजरेटर्स में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो उसकी टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम बाद वो खराब हो जाएगा, बट हम इमीडिएटली रेंसिडिटी होने से रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो हम बचा सकते हैं। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की जगह उसमें अगर नाइट्रोजन भर देते हैं, मैंने आपको अभी बताई दिया कि, और हमने नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, अगर आप ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन गैस फिल करनी है तब भी रेंसिडिटी नहीं होगी। और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, जैसे कि हमने कोई भी पेन किलर ले लिया तो दर्द को रोकते हैं ना, वैसे ही ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। टू एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है, BHA एंड BHT, जिसका आपको फुल नेम पता होना चाहिए, व्हाट इज BHA एंड व्हाट इज BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एडिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये दो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको इनका शॉर्ट नेम भी पता होना चाहिए और आपको इसका फुल नेम भी पता होना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो रिवीजन खत्म हो चुकी है, कम से कम ये 3 या 4 टाइम्स हमने चैप्टर कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में। आई थिंक आपको एग्जाम में भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको इतना अच्छे से आ गया होगा। अब हम करते हैं इस पे प्रैक्टिस जो हमने किया। क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन इज रब बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बहुत जगह मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन तो है ही है। तो अब आप देखो पहले सारे के सारे, और एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने में आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैंने जब 10th क्लास किया था ना, तब हमारे OMR शीट आती थी, पूरा 90 मार्क्स का पूरा एग्जाम ही एमसीक्यू क्वेश्चन पे था।
तो हमें क्या करना चाहिए, कभी ऐसा ना हो कि हमने ए पढ़ लिया बस, मैग्नीशियम कार्बोनेट बस यही ठीक है, बी सी डी पढ़ो ही नहीं। फर्स्ट आपने पूरे के पूरे ऑप्शंस रीड करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप श्योर होना चाहिए, 101% श्योर होना चाहिए कि हमारा क्या है बेसिक कार्बोनेट। मैंने अभी आपको करवाया कि हमारे पास टू ऑप्शंस होंगे, एक तो होगा MgO बना रहा है, एक होगा MgCO3 बना रहा है। अगर आपके पास ऑप्शन में मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो आप क्या करोगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट को चूज करोगे। तो हमारा ए ऑप्शन है। और चीज, अगर आप MgO क्वेश्चन करने हैं ना, आपको ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप याद नहीं कर सकते। एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले आप 100 या 200 एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले अपने 10 या 15 जो पेजेस हैं आपके बुक के, अब ये कराने के बाद ना आपको बुक में से भी पढ़ना मुश्किल नहीं लगेगा। आप बुक की एक एक लाइन रीड करो, हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते एमसीक्यू। क्लियर है ये? सेकेंड क्वेश्चन, Which of the following is a displacement reaction? अब देखो आपको पता है what is displacement reaction? अब MgCO3 ये तो है ही एक single reactant, तो ये तो हो ही नहीं सकता। Second देखो हमारे पास क्या है, 2Na2H2O क्या बना रही है, NaOH and H2 means इसने क्या किया है, Na और H2 है तो ये वाला oxygen क्या हो चुका है, displace हो गया है, displace हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, NaOH आ गया। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वे में बताई हुई है, पूछी गई है आपसे। 2Na प्लस में 2H2O है, तो H2O किस फॉर्म में होता है, OH प्लस में H की फॉर्म में होगा। तो इसने क्या कर दिया, OH जो H के साथ था ना, इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह पे क्या आ गया, खुद आ गया। तो इस टाइप का आएगा आपके पास, ऐसे डायरेक्टली कोई कुछ क्वेश्चन उठा के नहीं दे देंगे, कुछ एक तो आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, जो बेसिक्स कराया वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट H2O2 H2O नहीं, ये भी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। PbNO3 ये भी एक सिंगल रिएक्टेंट है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट आपने बहुत जल्दी बता दिया, क्यों, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है, इसलिए। नेक्स्ट हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक। एक्सो मींस एग्जिस्ट, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अब रिलीज कब होगी, देखो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। मैंने ये भी आपको करवाया था कि वाटर अगर क्विक लाइम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होगा, जो होता है हमें लगता है, हम उसे अलग से माइंड में करते हैं कि हाँ फर्स्ट भी है। डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड के अंदर जब भी कभी हम वाटर डालते हैं, और एक चीज और मैंने आपको ये भी बताया था कि एसिड के अंदर कभी वाटर नहीं डालते, वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप एसिड में वाटर डालोगे तो आपकी आंखें सब जल जाएगा, क्योंकि एकदम से हीट रिलीज होगी। तो इट मीन्स डिल्यूशन ऑफ एन एसिड इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेशन तो एक्सोथर्मिक हो ही नहीं सकता, हमें वाटर को हीट देनी पड़ेगी। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये भी नहीं हो सकता, सब्लिमेशन हो रहा है तो इसमें भी हमें हीट देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड। आप डैम श्योर हो कि फर्स्ट एंड सेकंड है, अब हमारे आंसर्स पे जाओ कि हमारे को क्या क्या ऑप्शन दिया, फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमने क्या कर दिया, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। तो एमसीक्यू करने के लिए भी हमें एक मेथड पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ए कर दिया तो फटाफट लगा दिया, पहले सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने जरूरी हैं। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, अभी क्लियर मैंने बताया है आपको, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक सेकेंड में आप बता दो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अपना ऑप्शन ढूंढो इसके अंदर कौन सा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एक चीज, अगर आपको आंसर आता है ना तो आप ए बी सी डी फोर ऑप्शंस पढ़ेंगे नहीं, ढूंढेंगे कि मेरा ऑप्शन कहाँ है। जैसे द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, व्हाट इज रिडक्शन, यू नो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो अपना ऑप्शन ढूंढो यार कहाँ पे। अच्छा ए बी ऑप्शन करा और हमारा काम खत्म हो गया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम बाद में करेंगे, हम नेक्स्ट करते हैं। गिवन गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम।
वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताना है कि वाटर के अंदर उसका वॉल्यूम कितना है. हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, 2H2O बनाते हैं. तो हमारे पास क्या होगा, 2H2 और O2. ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो वॉल्यूम होगा. तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है. ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है. क्या बना रहा है, वॉटर. तो क्या होगा हमारा, 2:1. तो इसके ऑप्शन भी आपको देखने की जरूरत नहीं है. तो आपको क्लियर होना चाहिए थियोरटिकल पोर्शन में. बारी बारी एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, थियोरटिकल पोर्शन, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, थियोरटिकल पोर्शन क्लियर होना चाहिए. क्वेश्चंस के आंसर याद मत करो बच्चों, बहुत गलत बात है क्वेश्चंस के आंसर याद करना. क्वेश्चंस कोई भी आ जाए आपको अगर क्लियर है ना बेसिक, तो आप उसका आंसर एक सेकंड में कर देंगे. तो क्या आ जाएगा, 2:1 वॉल्यूम बताना है. नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी ट्रू है. एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू. सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है. AgCl को जब हम सनलाइट में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे, ग्रे हो जाता है. क्यों हो जाता है, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कि उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बन जाता है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस बाय सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. तो अब इसका आंसर देने से पहले ना आपको एक चीज मैंने करवाई थी डीकम्पोजिशन में, कि AgCl हो या फिर AgBr हो, इसको अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो ये क्या दे देता है, सिल्वर. और ये क्या देता है, सिल्वर प्लस में क्या बनेगा, Cl2 प्लस में क्या बनेगा, Br2. ये मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन में करवाया था, ठीक है. और ये क्या है, इसको किसके लिए यूज करते हैं, ब्लैक फोटोग्राफी के लिए. तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा डिफॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, क्योंकि अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख देते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, सिल्वर मिलता है. तो सिल्वर मिलेगा, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. तो ये आपको ऑप्शन तभी पता होगा जब आपने ये वाली रिएक्शंस को अच्छे से किया होगा, ठीक है. ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर. देन MnO2 प्लस में 4Cl, MnCl2 प्लस में 2H2O Cl2. Identify the substance oxidized in the above equation. मैंने अभी ऑक्सीडेशन करवाया, रिडक्शन करवाया, बट टू टर्म्स थी जो मैं आपको बोला कि बाद में करवाऊंगी. तो हम यहाँ करेंगे, देखो MnO2 से क्या बन रहा है, MnCl2, means इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. अब तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है. एंड अब ये जो 4HCl है ये नहीं करते हम, सिर्फ यही करते हैं क्योंकि हम इसमें रिडक्शन बतानी है, हमें सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है. O2 इसके अंदर से रिमूव हो गया, O2 रिमूव होके इसके साथ ऐड हुआ है, Mn से क्या बन रहा है, MnCl2, मींस ऑक्सीजन रिमूव, तो हम बोलेंगे कि रिडक्शन हो रही है. और जिसकी रिडक्शन होती है ऑलवेज, जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है. और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ओके. अब हमसे पूछा क्या गया है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबोव रिएक्शन. ऑक्सीडाइज जो है वो कौन हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है बट ये ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, MnCl2. ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, MnO2 होगा, MnO2 की रिडक्शन हो रही है, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ये भी बोलते हैं कि हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, या रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिड्यूस्ड हो रहा है ये बोलेंगे. तो ये क्या है, MnO2 हमारा क्या है, डी ऑप्शन होगा, ठीक है. तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमें बताना है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबोव इक्वेशन. आपके पास ऑक्सीडाइज हो गया तो आप ये देखोगे कि रिडक्शन किसकी हो रही है. अगर आपके पास आ जाए कि रिड्यूस कौन सा हो रहा है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखोगे. इसको मैंने बहुत अच्छे से हमारी लास्ट वीडियो में भी कराया हुआ है, लास्ट से लास्ट शायद पार्ट 2 में करवाया है, तो आप उसमें देख सकते हैं. आप देखो नेक्स्ट, ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग. एक सब्सटेंस है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं.
and is obtained by heating limestone in the presence of air. हमें बता दिया, सबसे पहले तो हमें देखो व्हाइट वॉश के लिए बता दें कि हम व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, तो हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि व्हाइट वॉश के लिए क्या यूज किया जाता है. देन हमें हमसे पूछा गया है कि इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन, और जो ये हमारे पास एक्स कंपाउंड है ना उसे हम लाइमस्टोन को हीटिंग करेंगे अगर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा. तो आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या है. तो हमारे पास क्या है, CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्विक लाइम मिलता है. क्विक लाइम को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, स्लेक लाइम मिलता है. स्लेक लाइम के अगर क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है. तो हमारा जो एक्स कंपाउंड होगा वो क्या होगा, CaOCl2 होगा. ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, व्हेन Az इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स. अगर हम सिल्वर को एयर में रख देते तो क्या होगा, अभी हमने किया कोरोजन में क्या होता है पता है हमें, बी ऑप्शन है. ब्लैक कलर का हमारे पास क्या बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, व्हाट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट देनी पड़ती है. ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो एक्सोथर्मिक है क्योंकि हम इसमें अगर डाइल्यूट करेंगे तो हीट रिलीज होगी. देन सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर प्रोसेस, कंडेंसेशन भी अगर हो रही है वाटर की, कंडेंस हो रहा है तो भी वो क्या होगा, उसको हीट उसके अंदर रिलीज तो होगी नहीं, उसमें हमें देनी तो पड़ेगी नहीं. सॉरी, कंडेंस हो रहा है वेपर से कंडेंस, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन, तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक होगी, ये भी एक्सोथर्मिक होगी, ये भी एक्सोथर्मिक होगी, तीनों ही. कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स भी, वाटर वेपर्स को अगर आप रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस से वो कूल डाउन होंगे. तो दिस वन इज नॉट एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट नहीं देनी पड़ती. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज, अभी हमने किया कि रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए हम कौन सी गैसेस का यूज करते हैं. CO2 और O2 तो है ही नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो कभी भी नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अगर वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम भी नहीं होगी, कौन सी होगी, हीलियम एंड नाइट्रोजन होगी. मोस्टली जो है नाइट्रोजन यूज की जाती है बट हीलियम भी यूज की जाती है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए. लास्ट वन इज PbCl2, PbCl2 प्लस में Cu. द अबव रिएक्शन इज ए एग्जांपल ऑफ, कौन सा एग्जांपल है, पीबी ने क्या किया, सिंपल सा देखो, पीबी ने सीयू को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पे खुद आ गया. तो हमें ऑप्शंस देखने नहीं है, हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कहां है, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर. ठीक है, देन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन. द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इन वाटर इज, अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है जस्ट अपोजिट ऑफ डीकंपोजिशन है. ठीक है, हमने क्या किया था कॉम्बिनेशन में, अभी जस्ट किया कि H2 प्लस में O2 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है. बट अगर हमें डीकम्पोज करना है तो वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हमें H2 प्लस में क्या मिलेगा, O2 मिलेगा. ठीक है, कॉम्बिनेशन में हमारे को हीट क्या करनी पड़ती है, रिलीज होती है, डीकम्पोजिशन में हमें देनी पड़ती है. तो सेम वही है, हमें ये पूछा गया है कि डीकम्पोजिशन हमने किया है और वाटर का जो डीकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होगा, तो हमें उसके बताना है कि मोल रेशियो क्या होगा. उसमें अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमें वॉल्यूम बताया है, इसमें हम क्या बताएंगे, मोल रेशियो बताएंगे. तो H2O हमें बताना किसका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का. तो H2O जो है लाइट दी हमने तो किसमें ब्रेक डाउन हो गया, H2 प्लस में O2 में. अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2H2 प्लस O2. तो मोल रेशियो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2:1. तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर. बेसिक क्लियर है, आंसर हम चुटकियों में कर लेंगे. नेक्स्ट, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन मीन्स एयर के अंदर जो हो रही है, एयर की वजह से जो हो रही है, ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मेक अस अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे. अभी हमने किया कि हम क्या बोलेंगे उसको, रेंसिडिटी बोलेंगे. ठीक है, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमने पता है कि फैट्स और ऑयल के अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि रेंसिडिटी हो रही है, उसका टेस्ट चेंज हो रहा है.
नेक्स्ट ये सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेन फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड, क्या हम ऐड करते हैं? ऑक्सीडेंट तो हम ऐड नहीं करते, हमें ऑक्सीडेशन करवाना नहीं, रेंसिडिटी भी हमें नहीं करवाना, कूलेंट भी नहीं कराना, हमें क्या करना है? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको अभी नाम याद करवाए, BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, तो ये दो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी हमने क्या किया था ब्लास्ट में भी किया है, अब हम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी रिएक्शन हो रही है, इसमें हमें बताना है कि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। अब देखो ये रिएक्शन में ये हो रहा है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है H2S से क्या बन रहा है, ये बन रहा है, या हम H2S से ये बोल सकते हैं कि ये सल्फर बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, मींस इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एंड I2 के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एड हो रही है, I2 से HI बन गया, तो मींस इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अभी मैंने जस्ट बोला कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है तो आपको यह देखना है कि रिडक्शन किसकी हो रही है, तो रिडक्शन किसकी हो रही है, I2 की हो रही है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, A होगा। ये थोड़ा सा हार्ड है, आपको एक बार टर्म समझनी पड़ेगी कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमें देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, हमने देख लिया, हमारा आंसर पता चल गया कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। अभी किया है डीकंपोजिशन रिएक्शन, कभी हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है या हमने फोटो लाइट दी है या हमने सनलाइट दिया है, हीट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया है, फोटो दिया है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन, की वो ब्रेकेज कर रहा है, डीकंपोज कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ऑयल्स एंड, ये हमने अभी कर लिया कि रेंसिडिटी है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट ये देखो, अब आपका एक और ये पॉइंट है जिससे आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, अभी किया है क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। वेयर एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, हो गया क्लियर। अभी हमने किया, बार बार कर रहे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन होगा। वेयर एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एक ही चीज है, उसे ही बार बार रिपीट किया जा रहा है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस्ड इन सोल्यूबल, क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो क्या करेंगे, इन सोल्यूबल प्रेसिपिटेट करेंगे, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है तो उसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं जो कि सोल्यूबल नहीं होते हैं। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवेन आउट होती है आर नोन एज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवेन आउट। व्हाट इज रिएक्शन, बताओ मुझे कॉमेंट सेशन में, आप बताओ, मैंने बहुत बार बता दिया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड, अभी किया, बताओ इसका भी डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके ऑप्शन मुझे कॉमेंट में बताओ, जिसने ये पूरा सेशन देखा है उसका आंसर मुझे कॉमेंट में बताओ, इसका आंसर भी मुझे कॉमेंट में बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं इतना पढ़ा रही हूँ तो सामने वाला कितना कर रहे हैं। टू एंटीऑक्सीडेंट विच आर यूजली एडेड टू फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी आर, कौन कौन सी है, BHA एंड BHT, अभी मैंने करवाया ये भी आपको। नेक्स्ट, ब्लेंड इज ए प्रोसेस इन विच मेटल्स आर हीटन अप ग्रेजुअली बाय द, इसका भी आंसर आप खुद बताओ, कोरोजन, मैंने बता दिया है, फिर भी लिख के मुझे बता दो ताकि मुझे पता चल जाएगा कि किसने ये किया है। नेक्स्ट इक्वेशन है FeSO4, हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है Fe2O3 प्लस में SO2, तो ये भी आप बताओ, ये भी आप बताओ, बहुत सिंपल है, रिएक्शंस मैंने आपको करवाई हुई है, तो ये मेरा नहीं कराने के लिए था, क्योंकि मैंने आपको सारे प्रैक्टिस करा दी, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस मैंने आपको आपके होमवर्क के लिए दिए हैं, जो कि आप मुझे कॉमेंट सेशन में बताएंगे कि इसके आंसर जो है वो क्या होंगे। So, आपका फर्स्ट चैप्टर फाइनली मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है, विद रिवीजन, विद बैलेंस्ड इक्वेशन, विद क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस,
सर मैंने आपको मेरी जितनी एफर्ट्स थी मैंने उससे ज्यादा आपको लगा के कराया है, अब आप अपनी एफर्ट्स लगाओ इसको करने में और अपने माइंड में अच्छे से पूरा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को अच्छे से बिठा लो कि भूलो नहीं। होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, और अगर ओल्ड है अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। आपके लाइक करने से शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ऐसा लगता है कि हम और भी ज्यादा मेहनत करें ताकि स्टूडेंट्स को और अच्छे से समझ आए। और कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें बस मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि स्टूडेंट ने हमारी इस वीडियो को लाइक किया। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।